तो भाई लोग, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर विदाउट डीएमएक्स कनेक्शन। विदाउट डीएमएक्स, डीएमएक्स के टाइप से चलाएंगे, मतलब कि 4 पार लाइट है या फिर आपके पास 10 पार लाइट है या फिर जितना भी पार लाइट है, आप सभी को एक मास्टर बनाएंगे और सभी को एक ही कलर में चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, कनेक्शन कैसे करेंगे और पीछे का कनेक्शन कैसे रहेगा, सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि पार लाइट के पीछे यहाँ पर ये एलईडी मिलता है, मेनू अप और डाउन और इंटर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें हम कैसे कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर आउट और यह है इन, मतलब इन और आउट यहाँ पर दिया गया है। कनेक्शन कैसे करेंगे विदाउट डीएमएक्स, डीएमएक्स नहीं है तो आप इस टाइप से चला सकते हैं जैसा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी 1 2 3 4 4 पार लाइट लगे हुए हैं जो कि बाइसन कंपनी के हैं, 60 एलईडी में और फाइबर बॉडी में है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बोर्ड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी को लगा लेते हैं प्लग और इसको उठाइए थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अंदर हो चुका है, इसको उठा करके निकाल लेते हैं। हाँ, और ये प्लग इन और एक यहाँ पर पार लाइट का एक और है। तो इधर से ये हो गया प्लग इन, तो हमने 4 पार लाइट को लगा लिया है और यहाँ से हम ऑन करते हैं। एक पार लाइट ऑन हो चुका है, बाद बाकी 4 ऑन है। और आपको केबल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको केबल कैसा लेना पड़ेगा। केबल आपको लेना है यहाँ पर, देखिए मेल फीमेल, तो इस टाइप का केबल आपको चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। पहले इसमें लाइट ऑन कर लेना है और इसमें 2 प्रकार का कनेक्शन होता है, मतलब एक आता है आपका बाइसन का, उसमें आता है यहाँ पर ऊपर इसमें SLAE, तो इसमें SLAE नहीं आता है, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का सोचा। तो पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं, मोबाइल पकड़िए इधर आइए, तो मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। पहले थोड़ा सा इसको तो यहाँ पर नज़दीक से दिखना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट करने के लिए है। तो हम इस पार लाइट को बनाएंगे मास्टर, तो इसको हम मास्टर बनाएंगे तो हम यहाँ पर से लेंगे आउटपुट, डायरेक्ट आउटपुट लेंगे, इनपुट हम इससे नहीं लेंगे। तो ये वाला केबल जो है, ये वाला, इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से, आप सीधा करके देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है केबल भी आपका ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर से ले लिया है, थोड़ा सा अंधेला टाइप से इसलिए ओके। और यहाँ पर जो लाइट है इसको थोड़ा सा इस टाइप से घुमा लेते हैं, पकड़िए, पकड़े रहिएगा थोड़ा सा, बस हो गया। अब यहाँ से हम लगाएंगे इसमें, यहाँ से हमने आउटपुट लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएमएक्स आउट, और यहाँ पर डीएमएक्स इन करेंगे हम। तो यहाँ पर केबल कुछ ऐसा लगेगा और ये लग चुका है, डीएमएक्स इन हो गया है। और एक 2 केबल और वहाँ से लाइए, पीला वाला और वो बैगनी कलर वाला। तो सारा यहाँ पर ऑन है, फैन भी आप सुन सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर लंबा लंबा है, ये माइक का केबल है। आपके पास जो भी केबल है, बस यहाँ पर आपका मेल और फीमेल होना चाहिए। तो यहाँ पर से हम आउट लेंगे, तो यहाँ से आउट ले लेते हैं। तो ये लग चुका है आउट में, और तीसरा पार लाइट में हम इन करेंगे इस वाले केबल से। ये हो चुका है इन, एक और केबल चाहिए इधर है हमारे पास, तो यहाँ से हम आउट ले लेते हैं। ये लग चुका है, और एक पार लाइट है हमारे पास यहाँ, तो ये वाला हमने आउट लिया है, तो यहाँ पर हम इन करेंगे। तो इस वाले में हम लगा देते हैं, हो चुका है इन। अब यहाँ से शुरू करते हैं,
ये हमारा मास्टर हो गया आउट लिए हमने यहाँ पर, ये ग्रीन कलर का, यहाँ पर हमने इनपुट किया, यहाँ से आउटपुट लिया तो इस वाले लाइट में इनपुट किया, फिर यहाँ से आउटपुट लिया तो उस वाले लाइट में इनपुट किया, और वहाँ से आउटपुट लेंगे तो सभी लाइट में फिर वैसे ही सेम टू सेम आपको आउटपुट इनपुट करते कर देना है। अब यहाँ से आपको देन क्या करना है, मेनू का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर डी देख सकते हैं, डी 001 रहेगा। एक बार आप फिर से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से चेक कर लेना है, तो ये बी 001 आ गया, इसमें नहीं करना है आपको, डी आएगा तो ये आ गया, डी आएगा 001, सभी में सेम यही करना है आपको, डी 001। और इसमें भी आपको कर लेना है कुछ इस ऐसे सीधा दिखेगा, डी 001, और इसमें भी कर लेते हैं, इसमें भी डी 001 है, आप देख सकते हैं डी 001। अब मैं आपको आगे से दिखा देता हूं कि लाइट एक कलर में जल रहा है या नहीं, इसमें लाइट नहीं आ रहा है शायद, इसको देख लिया जाए। ये भी डी 001 है, देखते हैं यहाँ से करके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज चारों के चारों एक ही कलर में वर्किंग करना स्टार्ट हो गया है। वहाँ से चेंज कर, मेनू से चेंज कर, मेनू से आप देखिए कलर चेंज होगा, क्लिक कर, अभी रेड कलर हो गया, ग्रीन, तो जैसे भी आपको चलाना है वो जला सकते हैं, क्लिक कर तो यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, फिर क्लिक कर बंद हो चुका है, फिर क्लिक कर, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों के चारों एक कलर में वर्किंग करना स्टार्ट हो चुका है बिना डीएमएक्स के। तो यहाँ से आपको कनेक्शन कर लेना है जैसे भी आपको मतलब चलाना है, तो कुछ इस प्रकार से आप चला सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया डी 001 में करके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग एक कलर में चारों पार लाइट, या फिर आप इसमें 10 लगाएं या फिर 20 लगाएं, जितना लगाना है आपको लगा सकते हैं, और सेम आपका चारों के चारों या फिर जितना भी आपके पास रहेगा एक ही कलर में चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही था, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो चलिए इसको बंद कर लिया जाए।